साउंड इफेक्ट और कट जिसके ऊपर काफी कम लोग बात करते हैं। यह बहुत छोटी सी चीज बट ट्रस्ट मी, ये बोरिंग वीडियो को भी प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकता है। वहीं गलत यूज करने पर अच्छी वीडियो को भी बेकार कर सकती है। इस वीडियो में साउंड इफेक्ट सही यूज करने के साथ साथ फास्ट एडिटिंग ट्रिक, सही कट्स लगाना और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा जिससे आपकी एडिटिंग टेक्निक फास्ट और बेटर हो जाएगी। अपने ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें वो बताते हैं ये साउंड इफेक्ट यूज कर लो वरना आप एक अच्छे वीडियो एडिटर नहीं बन सकते, पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक साउंड इफेक्ट से एक अच्छे वीडियो एडिटर नहीं बन सकते। साउंड इफेक्ट बस जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं उसे इम्प्लीफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैं तीन टाइप के साउंड इफेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ जो ज्यादातर यूज होते हैं। फर्स्ट सूज इम्पैक्ट एंड राइजर, सेकंड एनिमे और कार्टून एस इफेक्ट, थर्ड कैमरा शटर एंड क्लिक। अब इन तीनों साउंड इफेक्ट को सही यूज करने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट साउंड इफेक्ट वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ कोई शॉकिंग चीज हो, लाइक आज होने क्या वाला है, इसके बाद क्या हुआ, इन जैसे शॉकिंग वर्ड की जगह इसे यूज करना। सेकंड एस इफेक्ट वीडियो को फनी फ्लिप करने में हेल्प करता है। जहाँ भी आपको वीडियो में फनी पार्ट लगे वहाँ आप इस साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हो। लाइक वो साउंड इफेक्ट कुछ ऐसे होते हैं। थर्ड साउंड इफेक्ट वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ फिल्म पर इफेक्ट या फिर कोई टैक्स इमेज को शो करने वाले हो, लाइक दिस। आई नो अब इसका इस्तेमाल आप सही से करोगे वीडियो में। कट एक ट्रांजिशन जैसा यूज होता है सीन 1 टू सीन 2 के लिए। सिंपल वर्ड में बोलूं तो वीडियो से फालतू चीज को हटाना। नॉर्मल वीडियो में टू टाइप के कट्स होते हैं, व्हाट टू कट एंड व्हेन टू कट, जिसे आप ऑडियो या वीडियो दोनों में यूज कर सकते हो। व्हाट टू कट में आपको साइलेंस, फिलर वर्ड और यूजलेस क्लिप को हटाना होता है, लाइक हे, अरे, आ, इन जैसे वर्ड को कट करना होता है। वो भी जो वीडियो या ऑडियो को यूजलेस पार्ट हो जिसका कोई मतलब नहीं बनता हो, उसे भी आप इसमें काट सकते हो। वेन टू कट तब यूज करना जब आप वीडियो या ऑडियो क्लिप के बीच में कट लगा रहे हो। अगर बीच का पार्ट काटने से सेंस बना रहा है तो आप सही जा रहे हो, बट वही सेंस नहीं बना रहा है तो आप इस कट को मत लगाना वरना वीडियो को पूरा बेकार कर देगा। काफी लोग सभी चीजों को एक साथ ही एडिट करते हुए चलते हैं, फिर से उन्हें लगता है कि एडिटिंग फास्ट हो रही है बट रियल में ये स्लो कर देती है। और फास्ट एडिटिंग करने के लिए दो टिप्स का फॉलो करो जिससे आपकी एडिटिंग फास्ट हो जाएगी। पहले आप शेड्यूल बना लो कि आपको कितना घंटा एडिट करना है। एडिटिंग के बाद आपके फोन का नोटिफिकेशन बंद होनी चाहिए और जो भी आपको एडिटिंग में यूज होने वाले उन सभी को पहले ही डाउनलोड कर लेना। सभी चीज को एक साथ करने की कोशिश ना करो, पहले आप ए रोल फुटेज को कट कर लो, फिर उसके ऊपर बी रोल लगा लो, फिर टेक्स, इमेज, एसएफएक्स पैक का तड़का लगा के, फिर म्यूजिक लगा के एक्सपोर्ट कर लो। इस टाइप से एडिट करोगे तो आपकी एडिटिंग 10x फास्ट होगी।